नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिटकॉइन में आई गिरावट, वर्ल्ड बैंक का बयान, और जून तिमाही में 12% घट सकती है जीडीपी, नहीं होगी वी शेप रिकवरी। क्रिप्टो करेंसी बाजार में गिरावट का दौर जारी है। बिटकॉइन, इथेरियम समेत अन्य टॉप क्रिप्टो करेंसी लाल निशान पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में बिटकॉइन के भाव में करीब 3% की गिरावट आई है। टेस्ला के बाद अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की इस टॉप क्रिप्टो करेंसी में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। संस्थागत निवेशक अभी भी इसके भविष्य को लेकर पशुपेश की स्थिति में नजर आ रहे हैं। पिछले दिन के मुकाबले शुक्रवार को वैश्विक क्रिप्टो करेंसी का कुल मार्केट कैप करीब 2.39% कम होकर 1.57 लाख करोड़ डॉलर पर है। बीते 24 घंटे में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम भी 11.99% की गिरावट के साथ 78.55 अरब डॉलर पर है। स्टेबल कॉइन्स के वॉल्यूम की बात करें तो ये भी 61.42 अरब डॉलर पर है, जो कि कुल क्रिप्टो वॉल्यूम का करीब 78.19% है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। प्रमुख उद्योग संगठन सीआईआई ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान दिया है। उसके मुताबिक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर कोविड की दूसरी लहर के बाद जीडीपी ग्रोथ में तेज रिकवरी होने के संकेत दे रहे हैं। मोबिलिटी इंडिकेटर, यातायात से जुड़े इंडेक्स और दैनिक रेल यात्रा में बढ़ोतरी के हिसाब से इस वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 9.5% रह सकता है। यह बात 31 मई को सीआईआई के प्रेसिडेंट ने कही है। वहीं यूपीएस सिक्योरिटीज के मुताबिक पिछले साल लॉकडाउन उठने पर इकोनॉमी में जो वी शेप रिकवरी हुई थी, वह पहली तिमाही में जीडीपी में 12% की संभावित कमी के चलते इस बार नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सराफा बाजार में सोने चांदी के हाजिर भाव में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। दो दिन में सोना करीब 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 3000 रुपए प्रति किलो कमजोर हुई है। देशभर के सराफा बाजारों में शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 355 रुपए गिरकर 47,201 रुपए पर खुली। वही चांदी 1,141 रुपए टूटकर 68,379 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से, बाद में सोना 290 रुपए गिरकर 47,267 पर बंधवा। वही चांदी 833 रुपए सस्ती होकर 68,687 पर बंद हुई। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या इस साल मार्च में 79 लाख से अधिक बढ़ गई है। यह दोनों अन्य प्रमुख दूरसंचार कंपनियों भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के संयुक्त रूप से बड़े ग्राहकों की संख्या से भी अधिक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के आंकड़े के अनुसार भारतीय एयरटेल ने मार्च में इससे पिछले महीने के मुकाबले 40.5 लाख ग्राहक मोबाइल फोन जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 10.8 लाख बढ़ी। रिलायंस जियो के 79.19 लाख नए ग्राहकों के साथ उसके मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या बढ़कर करीब 42.29 करोड़ हो गई। भारत में आधार कार्ड अनिवार्य आईडी प्रूफ है। इसके बिना कई इंपॉर्टेंट काम है जो नहीं हो सकते हैं, इसलिए आधार कार्ड से जुड़ी हर जानकारी से अपडेटेड रहना जरूरी है। इसके बीच आधार कार्ड बनाने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने अब पुराने स्टाइल वाला लंबा चौड़ा आधार कार्ड रीप्रिंट करना बंद कर दिया है। दरअसल पहले आधार कार्ड रीप्रिंट का फॉर्मेट अलग था, जिसे UIDAI ने अब चेंज कर दिया है। UIDAI अब PVC आधार कार्ड जारी करती है, जो काफी आकर्षक है और डेबिट कार्ड जितना छोटे साइज का होता है। ये नया कार्ड आसानी से पॉकेट या वैलेट में आ सकता है। इससे आधार कार्ड को साथ में कैरी करना भी आसान हो गया है। दरअसल एक यूजर की तरफ से आधार कार्ड हेल्पलाइन से रीप्रिंट को लेकर पूछे गए सवाल पर आधार हेल्प सेंटर ने जवाब देते हुए बताया कि यह सर्विस अब बंद कर दी गई है। आप ऑनलाइन माध्यम से PVC आधार कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वही अगर आप आधार को फ्लेक्सिबल पेपर फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो आप ई आधार का प्रिंट निकलवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिटकॉइन में आई गिरावट, वर्ल्ड बैंक का बयान, और जून तिमाही में 12% घट सकती है जीडीपी, नहीं होगी वी शेप रिकवरी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।